सो हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। रीगल DSO DS1104 हो या कोई भी मॉडल हो, अगर 4 चैनल का DSO है तो कुछ उसी तरह के आपको इसके सारे जो सेटअप हैं, या हम चैनल्स की बात करें या फिर इसकी सेटिंग की बात करें या पैरामीटर्स की बात करें या इसकी स्क्रीन के अंदर जो इसके डिस्प्ले की हम विजुलाइज की बात करें, विजुलेशन की बात करें या फिर किसी भी तरह डिकोडिंग की बात करें, तो सब कुछ यहाँ पर सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो एक छोटे से वीडियो में आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो क्यों आपका UTD का अभी जो चल रहा है मार्केट में CX प्लस, ये हालांकि इससे भी थोड़ा बड़ा वर्जन है, एक्चुअली ये 150 MHz का है। और तो ये वाला जो 19,000 का आता है, 19 के लगभग कुछ आता है, 18,500-19,000 का, और ये कुछ आ रहा है अभी 40 के ऊपर का, 40,000 के ऊपर का, तो क्यों अभी लोग इस पे मूव कर रहे हैं और क्यों हम उससे इसको एडवांस हम समझ सकते हैं। और बात ये नहीं है इस वीडियो में, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको लेना ही है नहीं तो काम नहीं होगा। इसके बिना मोबाइल रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होती है, बट ये एक एडवांस है, इसको सीख कर आप बहुत सी नॉलेज आप पा सकते हैं। और ये होने के बाद तो ऑब्वियस है कि अगर आप जब तक नया नहीं सीखेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे और वही काम करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। इसलिए नया टेक्निक को यूज़ करते रहना है, और जितनी टेक्निक आ रही हैं उनको किसी की बातों से सुन के या कोई बोल रहा है तो अडेप्ट करो, नहीं बोल रहा है तो अडेप्ट नहीं करो, ऐसा नहीं करना है। आपके मन, आपको लगता है कि हाँ ये DSO मुझे आगे ले जा सकता है भविष्य में, इसमें मैं और भी जा सकता हूँ आगे, तो बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि देखो, टेक्नीशियन ही आज के डेट में टीचर भी बन सकता है, और टीचर बनने के बाद तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो एक छोटा सा आपको सिर्फ डिफरेंट बताऊंगा कि इस DSO में और उस DSO में क्या अंतर है। दोनों DSO में थोड़ा डिफरेंट करके बताऊंगा। ये वीडियो में मैं आपको कोई डिटेलिंग करके नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ को चलाना नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो मेरे DSO ट्रेनिंग पे जाइए, बहुत ही कम फीस है, 4,000 माले उससे भी कम है, और उस फीस से आप पूरे DSO को चलाना, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, मैंने उसमें मोबाइलों पर भी आपको बताया कि कहाँ पे कौन सी लाइन क्या चेक करनी होती है, और दोनों मैंने ट्रेनिंग दोनों की दी है। मैंने UTD मैंने रीगल की भी दी है, और जो ट्रेनिंग है मैंने UTD की भी दी है। तो जिन भाइयों के पास UTD है वो उस इसका फ़ायदा उठा लेंगे, और जिनके पास में रीगल अभी लेने वाले हैं या सोच रहे हैं वो इसका भी फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये आपको लिंक में मिल जाएगा, तो कोर्स को परचेस करना आपके ऊपर है और फायदेमंद है भाई। किसी 50,000-80,000 से अच्छा है तो 4,000 में पहले नॉलेज ले लो, क्या पता वहाँ की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए, सो अभी फिलहाल मैं, क्योंकि मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि YouTube में वीडियो डाले जितने भी जा रहे हैं वो पूरी डिटेलिंग नहीं है, और कोर्स में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो बहुत इंटरनली चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए, वो शायद नहीं बताई जा रही है, बट जो भी है तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, ओवरऑल स्ट्रक्चर दोनों का एक है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 चैनल आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ फंक्शन की आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कुछ फंक्शन की हैं, और आपको बस यहाँ पे 4 चैनल मिल रहे हैं। सो पहला डिफरेंट कि ये 4 चैनल को सपोर्ट करता है, इसके अंदर आप 4 टाइप की फ्रिक्वेंसी अलग अलग एट द सेम टाइम एक साथ देख सकते हैं, और इसमें आप 2 टाइप ही देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 सबके अलग अलग कलर हैं, फिलहाल येलो चल रहा है तो यहाँ पे येलो के लिए है इस तरीके से। बट और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दे दिया है, बस की फीचर ये है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, हम यहाँ पर हम इस DSO को भी ऑन कर लेता हूँ। इस की फीचर हैं इस DSO के, तो इसके DSO को भी ऑन कर ही लेता हूँ साथ ही में। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। एक टेक्नीशियन क्या इतने तार, इतनी वायरिंग, इतनी केबलिंग, ये सब हो जाती है, आप कितना ही कम कर लो उतना ही कम है। चलिए, तो ओवरऑल ये
यूनिटी का कंपनी का है, ये रीगल कंपनी का है, ठीक है। तो ये वीडियो में ना आपको बिल्कुल एक बार क्लियर ये तो हो ही जाएगा कि मेरे को कौन सा फिलहाल वीडियो लेना है। देखो यार, अगर आप बेसिक में हो ना तो आप ये वीडियो इस डीएसओ पे जा सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है एडवांस लेवल पे, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात का ये मतलब मत निकालना कि देवदन अग्रवाल आपसे ये कह रहे हैं कि भाई इसके बिना काम नहीं होगा। ये एडवांस है तो एडवांस ही पर आप समझ सकते हैं। और ये रीगल है, ये आप तब जाइएगा जब आप आईफोन पे भी ये काम कर रहे हैं या आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप इस रीगल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई इस डीएसओ में आप दे सकते हैं जैसे सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। देखो जो मेजर्स, यूटिलिटी, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को, एक्वायर, स्टोरेज, वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर भी डिफरेंट नहीं है। तो ऐसा क्या है इसमें कि रीगल के डीएसओ अभी हवा बना हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सिग्नल को डीकोड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ये देखो यहाँ पर जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है डीकोड, तो डीकोडिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, और जिससे हम यहाँ से बेसिकली क्या हमारे को सिग्नल पे कोडिंग, मतलब क्या हमारे को डाटा मिल रहा है, उन डाटा को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर वो वर्ड में है तो हेलो पढ़ सकते हैं, इस तरीके से हम डाटा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो डाटा को हम पढ़ सकते हैं, तो ये आप क्लियर आप समझ जाइए यहाँ पर। और ये फॉर्मेट होता है डाटा का, देखिए पढ़ने का, आप हेक्सा में, डेक्सिमल, बिन, एएससी या लाइन, कोई भी आपकी जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप डाटा को पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो बहुत सारे फंक्शन की दिए हुए हैं, इससे लोगों को लगता है कि क्या ही है, तो मैं बता दूँ यहाँ पर ये सारी की है ना, इसके पैरामीटर्स हैं। बस यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर है ना, हमें ये पैरामीटर्स यहाँ मिलते हैं ना, और हम यहाँ पर मेजर से इसको एक्वायर करते हैं, है ना, यहाँ से एक्वायर करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पैरामीटर के अलग ही फंक्शन की किए हैं। हम यहाँ पर भी मेजर का बटन दबा के इसको एक्वायर कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम नीचे लाना चाहते हैं ना, तो हम इस फंक्शन की का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 16-17 कुछ आपको की फंक्शन मिल जाएंगे, पैरामीटर्स, वोल्टेज, वी का मतलब वोल्टेज होता है, और ये सारे आपके फ्रिक्वेंसी, फॉल, राइज, वेथ क्या है, ड्यूटी साइकिल क्या है। जैसे मैंने पीरियड का दबाया तो देखो यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से कुछ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऊपर आपको दिखा रहा है कि अभी हम कौन से मोड पे, ये दिखा रहा है ऑटो मोड पे है, कितने माइक्रो सेकेंड हम इसको जो समय अपना टाइम है उसको हम टेबल जो टाइम है हमारा कैसे देख रहे हैं, और कुछ नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ, जो इससे भी बड़े डीएसओ है ना भाई, उसमें तो इससे भी ज़्यादा प्रोब होते हैं। तो वो आप सोचेंगे इतने प्रोब क्या काम कर रहे हैं भाई, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजेंटल है, आप समझो, और उसी का ही वर्टिकल में वोल्टेज डिवीजन है और उसी का ही हॉरिजेंटल में टाइम डिवीजन है, बराबर। और बस और कुछ भी नहीं है, कुछ हवा नहीं है। और अगर इसमें 6-7 और होते ना ये, तो ये होता कि हर चैनल के लिए अलग अलग हॉरिजेंटल वर्टिकल यहाँ पर दिए होते, और सब मेन है इसमें टिगर। सो ये टिगर सबसे मेन है, और डिकोडिंग, I2C लाइन को डिकोड करना, ये सब मेन है। बाकी इसका इसमें वही चीज़ है जो इसमें है, बट आप इसमें सिर्फ I2C, इसमें SPI में जैसे आप तीन सप्लाई एक साथ, जैसे SPI क्लॉक और आपका मिसोमोसी जो हो गया ना, वो आप एक साथ नहीं चेक कर सकते, बट इसमें चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप तीन भी लगा सकते हो इस तरह से। सो DSO में बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप इसको बहुत हद तक सीख सकते हैं, और मैं चाहूँगा और मैं ये मैं समझता हूँ कि आप इसको सीखिए। अगर कोई चीज़ मार्केट में अभी आ रही है, और अगर कोई चीज़ मार्केट में सीखी जा रही है, सिखाई जा रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो इस फील्ड में ना आप उन्हीं लोगों में से एक हो जाएंगे जो पहले नोकिया बनाते थे और कभी एंड्रॉयड पे नहीं जा पाए। सो मेरी बात समझना कि जिसने अगर जब तक एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की है, वो पीछे ही रह गया है। ये मत सोचिए कि मेरा काम 10 रुपये के ब्रुश से हो रहा है, क्या ही करना, 10 रुपये के ब्रुश के आगे बढ़िए, और जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ निभाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये सीखने के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं आप, बहुत सारे टीचर्स हैं उनके पास भी जा सकते हैं, और अगर मैं बात करूं और ऑनलाइन अगर सीखना है तो मेरा कोर्स अडेप्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन सीखना है तो कहीं भी जा सकते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको समय समय तक आपको साथ देगा, जो आगे भी चलेगा, जो सिर्फ क्लास, जो हर महीने सिर्फ क्लास के अलावा अपने स्टूडेंट से भी बात करता है। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं कि आप उन पर जा सकते हैं। प्लस आप उनको देखिए, वो आपको क्या एडिटेबल वीडियो डालते हैं या लाइव भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें को थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किन पे भरोसा करना है और किन पे जाना है। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, और ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। कैसा लगा ये वीडियो बताएंगे जरूर, और इस DSO को अगर आपको पूरा प्रैक्टिकली यूज़ करना है तो आप मेरा कोर्स अडेप्ट कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत अडेप्ट कीजिए, यूट्यूब से देखते रहिए,
बट यूट्यूब से आप उतने ही देख पाएंगे जितना यूट्यूब में डला है। और एक आधा अधूरा सोल्यूशन एक आधे ग्लास के जैसा होता है, जिसमें हमेशा प्यास लगती रहती है पर पानी नहीं होता है। पानी होने के बाद भी प्यास लगती रहती है, सिंपल सी बात है। एक ऐसा ग्लास जिसमें पानी भी है और वो प्यास भी नहीं बुझा रहा, पानी भी, आप समझ लो। ज्ञान बिल्कुल वैसा ही है कि प्यास लग रही है और पानी भी है और बुझ नहीं रही, तो समझो कि आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हो। तो प्लीज सो डीएसओ का फायदा उठा सकते हो, और एक कोर्स में दोनों ही डीएसओ मिल रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।